नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद तारीख 30 अप्रैल की और लगभग समय हो रहा है ग्यारह बज के मिनट शाम का आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आस्क मी एनीथिंग जी हाँ दोस्तों तो आप जुड़े हैं मेरे साथ उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स दोनों पर्याप्त मात्रा में आपके यहाँ पहुँच पहुँच रहे हैं और आपके कमेंट बॉक्स भी प्राप्त चल रहे होंगे ठीक है दोस्तों आ, ये सेशन जो है दोस्तों ये प्रश्नोत्तर सेशन आप अपने सवालों को रख सकते हैं लॉजिकल सवाल हो आपको लगता है कि अधिकतम लोगों का फ़ायदा हो सकता है आपका अपना फ़ायदा हो सकता है सवाल को पूछकर वो पूछिएगा अपने निजी सवाल अपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल सवाल कि सर ये क्या हो वो क्या हो आपको लगता है जो नहीं बात करनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो मत पूछिएगा आराम से और एक बार सवाल लिखने के बाद दोबारा मत लिखिएगा ठीक है ना प्लीज़ ऐसा मैं कृपया करें अच्छा रहेगा मेरे ऊपर दोस्तों ठीक है बहुत ज़्यादा सवाल परेशान ना हो इसके लिए ठीक है चले हम लोग शुरुआत कर सकते हैं सेशन की अपने एक काम करते हैं हम लोग अपने चैट बॉक्स में चलिए ठीक है सर ठीक है तो मैं सवाल लेना चालू करता हूं दो मिनट में दोस्तों उसके पहले कि आप जानते हैं एक हमारा रिचुअल एक हमारी प्रथा जो कि हम हमेशा निभाते हैं वो है अन अकेडमी की चर्चा करना आपके साथ जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों रात का साढ़े ग्यारह का समय हो चुका है सब मशहूर मुहूर्त है अपने काफी बात करेंगे अन अकेडमी के बारे में अन अकेडमी आपकी लाता है दोस्तों मल्टीपल प्लेटफॉर्म जहाँ आप जुड़े हैं मेरे साथ यहाँ पर और कल यानी कि एक मई मजदूर दिवस जिस दिन होगा कल होगा अपना लेबर डे और हम बात करेंगे लेबर करेंगे हम लोग कल कहाँ पर ऐप के ऊपर ठीक है दोस्तों मैं शेड्यूल बना रहा था बैठ के वही अभी कि कल मैं आपके संग ऐप आप आप पर रहूँगा कुछ क्लासेस ऐप पर होंगी लगभग मानता हूँ चार से पांच क्लास मैं कल ऐप पर लेने वाला हूँ आपकी इसमें इकोनॉमी का टेस्ट होगा इस बार आपका जो पिछले हफ्ते नहीं हो पाया था इकनॉमी का टेस्ट होगा अपना इस बार इस बार उम्मीद कर रहा हूँ आपके साथ चर्चा होगी मेरे बाकी टेस्ट जो करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं पूरा अप्रैल महीने का एक पीआईबी का क्लास होगा कल आपके साथ पीआईबी का सुबह नौ बजे क्लास होगा कल आपके साथ वो रहेगा अटेंड तो कल काफ़ी कुछ होने जा रहा है अपने ऐप के ऊपर तो चार से पाँच क्लास है सेशन छोटे छोटे सेशन होंगे वो ऐप के ऊपर होंगे जो कि सुबह सेशन होगा पहले वाला वो सुबह नौ बजे होगा पी का आपका सेशन दोस्तों ठीक है इसको आप देख लीजिएगा आपके साथ सुबह नौ बजे ऐप के ऊपर होगा जो अपना पी आई होता है दोस्तों वो ऐप पर रहेगा ठीक है चलिए आराम से रुक रहिए सवाल मतलब अभी मत लिखिए जब मैं कहूँ तब लिखिए सवाल आराम से अभी पूरी बात करनी अकेडमी की बात करनी दे, दे। तो मुझे अन आपके लिए दोस्तों ऐप आप पर आपके पास दो क्लास चलती हैं एक स्पेशल क्लास होती है जो कल होंगी बहुत सारी क्लास आपके साथ क्योंकि सुपर सैटरडे है टेस्ट डे है कल तो सैटरडे होता है अपना टेस्ट डे दोस्तों तो अपन मनाएंगे कल अपना टेस्ट डे ठीक है ये अपना काम करने वाले हैं कल इसके अलावा कल अपना इसके अलावा जुड़ सकते हैं प्लस पर हमारे साथ आप लोग प्लस पर क्या चल रहा है सर प्लस पर जहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टॉप एंड एकेडमी एजुकेटर्स आपके साथ रहते हैं दोस्तों आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इन इस जगह पर भी और सब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर दोस्तों इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स तो हैं आपके पास माफ़ कीजिएगा स्क्रीन आपको नहीं दिखाई दे रही है मैं स्क्रीन आपके लिए आता हूं बताना भूल गया आपको मैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ दोस्तों सुबह नौ बजे होगा कल पी आई वी आपका ऐप के ऊपर टेस्ट डे है कल तो सैटरडे सुपर सैटरडे बनाएंगे आप लोग यहाँ पर और जुड़िए प्लस पर हमारे साथ जहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड कर रहे हैं शिक्षित कर रहे हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे संग स्क्रीन पर यहाँ पर आपके लिए अन अकेडमी लेकर आता है प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स तो जुड़ सकते हैं प्लस और आइकॉनिक कोर्स में दोस्तों हमारे साथ आप लोग आप इसके अलावा इस समय अकेडमी आपके लोन की सुविधा लाया है दोस्तों एक अच्छी स्कीम है काफी अपने आप में जीरो परसेंट इंटरेस्ट मतलब सभी नहीं कोई नॉर्मल बैंक टाइप लोन दे रहा हो कोई हिडन कॉस्ट हुई है वो सिंपल जितना फीस होगा उतनी आपको पे करना होगा पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है छः आठ महीने में उतना चाहे पे कर दीजिए आराम से उसको तो ये एक व्यवस्था है दोस्तों आपके लिए प्लस और आइकॉनिक जहां पर कोर्स हैं आप अटेंड कर सकते हैं कॉम्बो है हमारा जहाँ ऑप्शनल ऑल जीएस एक साथ मिल रहे हैं आपको तो इन सबको ज्वाइन करने के लिए प्लस पे आना होगा दोस्तों प्लस पर आपके कोड यूज़ करना होगा और कोड क्या होगा आपका कोड एक ही रहना चाहिए दोस्तों आपके पास वो है आशीर्वाद टेन इस कोट को नहीं मिस करना है इस कोट को आपके साथ रहना चाहिए ठीक है दोस्तों चलिए ये तो बात हुई अपने साथ इस कोट की चर्चा हुई बाकी टेस्ट सीरीज है और कॉप का कॉम्बैक्ट है ये मिस नहीं करना है दोस्तों कॉम्बैक्ट संडे को होगा आपका यानी कि डे आफ्टर टुमारो संडे दो मई को होगा सुबह ग्यारह बजे पहुंच जाएगा दो मई को सुबह ग्यारह बजे अन ऐप पर और यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद टेन कोड फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर हमारे कॉम्बैक्ट ऑपरेशन के लिए दोस्तों ठीक है बाकी प्लस पर नए बैच चालू हो रहे हैं जुड़ने का अच्छा मौका है दोस्तों इस समय वन ईयर बैच टू ईयर बैच और मैं खुद एक लाने वाला हूँ आपके लिए मई महीने में टू ईयर बैच वन ईयर बैच नेक्स्ट ईयर के लाने वाला हूँ बैच में आपके प्लस प्लेटफॉर्म पर तो अच्छा मौका है जुड़ने का जुड़ सकते हैं दोस्तों आप लोग मेरे साथ वहाँ पर चलिए दोस्तों ये तो चर्चा हुई अपने अपने इस कार्यक्रम के बारे में आइए शुरू करते हैं बात करते हैं आपके साथ अपने आपके सवालों पर ठीक है मैं आपके सवालों पे आऊँगा दोस्तों एक बार रुक जाइए तक मैं आपके सवालों के लिए यहाँ मैं YouTube खोल लेता हूँ तो अच्छा रहेगा जिससे आप भी अब कंफर्टेबली होकर देख पाएंगे मैं किस सवाल का जवाब देने वाला हूँ यहाँ पर ठीक है तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग अपना चैनल खोल लेते हैं और अपना प्रोग्राम खोल लेते हैं दोस्तों ठीक है इसका मैं इसका तो मैं वीडियो म्यूट कर देता हूँ ठीक है अब एक काम कर लेते हैं आपका ये हम लोग पॉपअप कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है चैट पॉपअप कर लिया हमने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा इसको बड़ा साइज़ का कर लेते हैं सर ठीक है आ जाइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको चलिए आपके सवाल आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे आपके सवाल आपको दिख रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ इतना साइज है इनका कि आप सवाल देख पाए अपने चलिए ठीक है दोस्तों तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की आपके साथ आपके सवालों की यहाँ पर हम लोग ठीक है अब आपने सवाल लिखिए आराम से दोस्तों अपने सवाल लिखिए आराम से अब मैं आपको एक एक करके सवाल उठवा देता हूँ आपके जो इतना दे सकते हैं क्षमता में आएगा हमारी आपके सवाल जवाब आप दिए जाएंगे दोस्तों रिपीट मत कीजिएगा सवाल मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए ठीक है चलिए यहाँ से लेंगे प्रफुल कह रहे हैं सर यूट्यूब से पढ़कर सुपर सिक्तर हो सकता है हो सकता है दोस्त मेहनत बहुत करनी पड़ेगी प्रफुल बिल्कुल हो सकता है क्लास ज़्यादा हो रही है सेल्फ स्टडी कैसे करें प्लीज़ गाइड सर क्लास कम देखो दोस्त कम देखो क्लास सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है हर क्लास करना जरूरी नहीं है हम तो हम दिन भर पढ़ाएंगे लेकिन आपको उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे चलें सर टेस्ट सीरीज़ का बहुत ख़राब आ रहा है कि नोट बहुत नंबर बहुत ख़राब आ रहा है क्या करूं रिवीजन करना पड़ेगा दोस्त रिवीजन करना पड़ेगा आपको टेस्ट सीरीज़ का तभी नंबर सुधरेंगे रिवीजन करते रहिए टेस्ट सीरीज के मार्क्स तभी सुधरेंगे आपके ठीक है uh, अंकित कह रहे हैं सर मैं आपसे लास्ट अप्रैल में मिला था तब से मुझे बहुत नॉलेज पॉजिटिव है पॉइंट्स ऑफ व्यू मैं बहुत चेंज आ गया थैंक यू अंकित प्रफुल कह रहे हैं हो गया दोस्त अरेस्टोटल सर इकोनॉमी में मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देखो ना दोस्तों आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं वहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखो पक्का अरेस्टोटल मिल जाएंगे आपको ठीक है संदीप सर अगरतला में डी पर कुछ शब्द कहें क्यों कहूँ यार मैं शब्द माफ़ी मांग ली इन्होंने अब क्या कहूँ मैं माफ़ी ना मांगते सरकार एक्शन ना लेती सरकार ने कमेटी बैठा दी है अंडर जुडिशियल मैटर आ गया है मैं क्या बोलूँ यार अपनी ड्यूटी निभा रहा था आप एक पक्ष देख पाते हैं मीडिया में हमेशा दूसरा पक्ष भी होगा जिसको सुनना पड़ेगा जो कमेटी बता पाएगी आपको हम लोग मीडिया में एक ही पक्ष देख पाते हैं आ, सर क्या आप साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स लाएंगे प्रोफोप जी हाँ प्लस पे करेंगे दोस्तों हम लोग सर यूट्यूब से पढ़कर अरे वो बात कह रहे हो द्विवेदी जी बिना रुके बिना मुड़े ठीक है द्विवेदी जी सोनू सिंह सर आपकी भी क्लास फॉलो करते साथ में मैट्रोल भी क्या कुछ करने की आवश्यकता है इतना कर लो दोस्त बहुत रहेगा इतना फॉलो कर लो काफ़ी रहेगा दोस्त इतना पढ़ लो यहाँ पर चलो शरी सर आज आप इंग्री हैं क्या इतने सारे सेशन क्या आपने मंथा यार पढ़ाने का पढ़ लो आप लास्ट डे था ठीक है बहुत शिकायत थी अपने लोगों से क्लास नहीं हो रही क्लास नहीं हो रही मैंने कहा मैं लो यार क्लास भर भर के क्लास लो आ, ठीक है दोस्त आलोक कुमार सर इस बार एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ ये तो मैं कैसे बोलूँ ना आलोक यार ये मैं कैसे बताऊँ कि तुम्हारी तैयारी कैसे है कैसे कर रहे हो मैं तो हमेशा एग्ज़ाम देने का समर्थक रहता हूँ ठीक है हिमांशु इंटरल सिक्योरिटी और क्लास बिल्कुल होंगी दोस्तों मैं बहुत बढ़िया हूँ थैंक यू मनीषा दीपक कह रहे हैं सर आई एम डूइंग प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग फॉर मेंस बट आई एम सो कन्फ्यूज फ्रॉम वे वेल चेक माय आंसर राइटिंग वे वी विल चेक क्या करें दोस्त uh, दीपक मैं प्रयास करूँगा आंसर राइटिंग को सेशन या आंसर राइटिंग कुछ कोर्स लॉन्च कर पाऊँ आप लोगों के लिए तो मैं बताऊँगा आपको वहाँ पर ठीक है प्रतीक्षा सर साइंस टेक को कैसे प्रिपेयर करें आप प्लीज़ गाइड कर दीजिए ठीक है मैं गाइड कर दूंगा यहाँ पर आपको एक दो वीडियो बना दूंगा साइंस टेक के लिए कैसे तैयार करें अभिषेक वार्ड पिल्लम से पोस्टपोन मुझे नहीं मालूम दोस्त यहाँ पर पढ़ाई कर लो सत्ताईस जून का एग्जाम के तैयार कर लो तैयार हो जाएगा एक महीने बाद हो दो महीने बाद हो तब भी तैयारी उतनी ही होगी जितनी कि सत्ताईस जून की तैयारी करोगे तो बिना फिर सोचते तैयारी करते रहो सर आई एम के सर भारत 2021 का पीडीएफ नहीं मिला प्लीज़ शेयर करो मैंने कहा आपका मैं शेयर करूंगा दोस्त मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इनलीगल है कॉपीराइट है भारत ईयरबुक पर मैं कभी नहीं कहूंगा शेयर करने को आपसे लीगली कभी नहीं हो सकता ये काम आप मुझसे उम्मीद करें मैं नहीं करूंगा आप अपने सोर्स से ढूंढ लीजिए वो आपके ऊपर है लेकिन लीगली हम इसको शेयर नहीं कर सकते हैं कॉपीराइट का है किसी ने छापी है किताब में इसको पी शेयर करना इनलीगल माना जाएगा दोस्त ठीक है तनुजा रोहित सर जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके विदाउट कोचिंग उनके लिए क्या स्ट्रेटजी दोस्त स्ट्रेटजी के लिए दोस्त मैं हमेशा बोल चुका हूँ आप केवल और केवल एक वीडियो देख लीजिए मेरा फाइव पॉइंट स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स फाइव पॉइंट स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स को देख लीजिए टाइम मिले तो आपके लिए सब मोक इंटरव्यू में अच्छा कैसे करें शेरेश राज यार मोक इंटरव्यू में अच्छा कैसे करो यार मतलब पहले तो नॉलेज हो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं कि कंटेंट की गलती है अपना सी काम नहीं किया है या पर्सनलिटी में समस्या आ रही है बोल नहीं पा रहे हैं तो उस पर काम करोगे ना मोक इंटरव्यू में अच्छा कैसे करें इसका मतलब कुछ नहीं होता अपने आप में कहाँ गलती है मोक में वो देखो आप ठीक है सर अमन सर करंट अफेयर्स रिवाइज़ कैसे करें कॉपी लेके बैठ जा भाई प्रीवियस क्वेश्चन देख क्वेश्चन देख साथ में करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं वो देख कर कॉपी पर क्वेश्चन कर कॉपी पर क्वेश्चन कर दैट से ट्वाइस हो गया इससे इकनॉमिक मेन सब क्वेश्चन बता चुका हूँ दोस्त मैं अंकित सर यू पी डब्ल्यू सर्टिफिकेट यार ये जानकारी तो तकनीकी जानकारी कागज़ों की जानकारी मत पूछो मुझसे क्योंकि कागज़ों में बहुत के छुले होते हैं कागज़ों में अलग प्रकार से किसने बनाया है क्या होता है मैं इसको नहीं कह सकता यहाँ पर कुछ ठीक है सर ठीक है कब तक का करेंट करना है एग्ज़ाम से पचास दिन पहले तक का पी के एग्ज़ाम के पचास दिन पहले तक का करेंट कर लेना दोस्तों हिंदी की पीडीएफ हिंदी की पी नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास मेरे लगता आ रही होगी चलो मैं देख लेता हूँ मेरे पास तो आती है सारी हिंदी की पीडीएफ आपके पास नहीं पहुँच पाती क्या चलो मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं पहुँच रही आप लोगों को तो मैंने कहा था ग्रुप में डालते रहना मेरे लगा आ रही है पी सारी चलो मैं चेक कर लूँगा जी एन एक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ तो उसमें जी एन एक्ट के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा काफी कर चुके हैं ऑलरेडी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पूरा पूरा एक्ट मैंने कराया है पढ़ाया आपको ये ठीक है पूरा एक्ट मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको ये पूरा एक्ट क्या प्रावधान थे इसके दिल्ली में क्या हो रहा है ठीक है सर निशान सर हम प्रिपेयर फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एन आई टी इलाहाबाद हम प्रिपेरिंग फॉर तेईस ठीक है करंटली वॉचिंग आइटल थैंक यू दोस्त निशान थैंक यू देखने के लिए सर टू थाउजेंड वाली इंडिया बुक पढ़नी पड़ेगी या सिर्फ इक्कीस वाली अनफ है बीस वाली है बीस वाली पढ़ लो इक्कीस वाली इक्कीस वाली कोई एक पढ़ोगे दोस्त कोई एक पढ़ लो तनेज तने, सिंह राजपूत कोई एक बुक पढ़ लीजिए काफ़ी रहेगा यहाँ पर मोक इंटरव्यू हो गया इकनॉमी हो गया सर समीर का जोग्राफी के लिए बेस्ट सोर्स क्या है जोग्राफी के लिए बेस्ट सोर्स दोस्त आठ क्वेश्चन आने हैं चार मैप के आने हैं चार ट्रेडिशनल क्वेश्चन होंगे पढ़ लो यार एन या हिंदी के हो तो बनवाली किताब देख लो इंग्लिश के हो तो कोचिंग लॉन्ग भी देख लो और भी हो सोर्स रेखो माजिद हुसैन पकड़ लो चाहो तो कोई भी कोई भी बुक पकड़ लो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं परेशान मत होना आराम से हो जाएगा ठीक है सर इकनॉमी मेन्स हो गया करंट रिविजन कैसे करें हो गया इंटरनेशनल नेशन कैसे कवर करें हाँ इंटरनेशनल नेशन कैसे कवर करें सर आशीर्वाद सर का एक टीचर आशीर्वाद सर का वीडियो देखना यूट्यूब पर पूरा आई के वीडियो पढ़े उनके बीस पच्चीस वीडियो पढ़े उनको देख लेना दोस्त काम हो जाएगा उसमें सर डी एम का क्या आचरण कैसा होना चाहिए आप लोग मुझसे पूछोगे यार एक सभ्य व्यक्ति का आचरण कैसे होना चाहिए नियमों के तहत होना चाहिए जो रूल नियम बनाएगा उसके तहत होना चाहिए दोस्तों तो संदीप ए, एक लाइन में बताना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन नियमों के तहत अनुशासित रूप से उसका आचरण होना चाहिए ठीक है नियमों के तहत नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता कभी वो ठीक है माई क्वेश्चन अब शेखर आप क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर रियाज़ फिर वही बात आ गई यार बार बार क्वेश्चन लिखते रहते हो रिपीट करते रहते हो कहाँ गया यार क्वेश्चन अच्छा इंडिया बुक पीडीएफ में क्या करूँ दोस्त अपनी आर बी आई गवर्नर टें है भैया मॉरिटोरीम क्या होता है मॉरिटोरीम दोस्त कुछ समय के लिए लोन माफी कुछ समय के लिए ई मत भरिए मॉरिटोरियम पीरियड कुछ समय के लिए इसे कोविड लगा तो एक साल मत भरिए अगले साल चालू कर दीजिए दस साल में चुकाना था एक साल मत चुकाइए ग्यारह साल में चुका दीजिए ये होता है दोस्त मॉरिटोरीम पीरियड एक साल का इकोनॉमिक्स हो गया सर करंट रिविज़न कैसे करें नमस्कार दोस्त नमस्कार साइंस टेक को कैसे प्रिपेयर करें सर प्लीज़ बता दीजिए बताए तो उसमें क्लास दे दूंगा उस पर जुलॉजी ऑप्शन कैसा रहेगा सर तनुजा जुलॉजी ऑप्शन अच्छा है दोस्त कोई भी ऑप्शन लो ये जरूर देख लिया करो कि एक बार गाइडेंस है क्या नहीं उसका या बुक्स हैं क्या नहीं उसकी और आपका इंटरेस्ट है क्या नहीं मेन बात तो ये है और फिर स्कोरिंग भी होना चाहिए उसको यहाँ पर जुलॉजी में ठीक नंबर आते हैं वैसे आ, सर मैं कोविड पॉजिटिव हूँ वन मंथ स्ट्रेटजी प्लीज़ सर सुभाष कुमार आप कोविड कोविड पॉजिटिव हैं दोस्त संवेदना मेरी आपके साथ हैं लेकिन यार वन मंथ स्ट्रेटजी मैं नहीं बता पाऊंगा मुझे नहीं मालूम कि कोविड में किस स्टेज पर हैं और कैसे आप पढ़ पाएंगे और कितना पढ़ पाएंगे तो प्लीज़ ऐसा कोई एक्जेशन मत डालिएगा पता लगे मैं आपको गाइड कर दूँगा आप उतना दस्ती पढ़ने बैठ जाएँ तो आपको जितना मन करता है पढ़ पाते हैं पढ़िए आराम से जीवन बचाइए पहले तो अपना जीवन रहेगा तो एग्जाम दे पाएंगे ढंग से ये सबसे मैं सबसे कहूँगा मैं नहीं जानता हूँ किस स्टेज में आप हैं तो बेहतर होगा कि अपने पढ़ने पे ध्यान लगा के अपने स्वास्थ्य पर ध्यान लगाइए और प्रयास कीजिए कि आप स्वास्थ्य पर फोकस कर पाएँ अपने समय ठीक है जिस आपसे चीज़ें बिगड़ रही हैं जरूरी है कि सुरक्षित रहिए पहले तो यू पी पी एस सी से कैसे करें सर यू पी पी एस सी के लिए दोस्त अलग से कुछ नहीं करना है बस यू पी का अलग से कंटेंट पकड़ लेना उसकी जो अलग से जी एस होती है हो पकड़ लेना वहाँ पर आरती सिंह प्लीज़ अपना यू पी एस सी एशन का टाइम कुछ मेमोरीज़ कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यार ये तो नहीं हो पाएगी ना यहाँ पर दो मिनट के अंदर आ, मैं कर दूँगा करता रहता हूँ बीच बीच में कभी कभी सुनाता रहता हूँ किससे कहानियाँ आप लोगों को सर आंसर राइटिंग में कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे लिख रही हूँ चेक कैसे करूँ इसका कोई तरीका नहीं दोस्त इसका कोई तरीका नहीं है मेरे पास ठीक है यू पी पी में साइंस टेक का रोल कितना रहेगा जितना कि ऑफकोर्स पेपर आप प्रीवियस पेपर देखो दोस्त बेस्ट होगा किसी भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर देखो तब समझ में आएगा कि इसका रोल कितना रहता है सर ऐप वाले क्लास को भी यूट्यूब पे लाइव करिए जो आप पढ़ाते हैं ऐप वाले क्लास कैसे हो जाएगा यार पेमेंट करते हैं बच्चे वहाँ पर यार ना थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ता है ना थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है तो मुश्किल हो जाता है हम लोगों के संकल्प करें हाउ टू इफेक्टिवली यूज़ योर साइंस एनवामेंट इको दिस दिस नॉट ऑल फोर फ्रॉम बट आई एम नॉट गुड गन दिशा ऑफ फोर ठीक है उफ। पढ़ो यार मैं क्या बोलूँ उसको मतलब इसका कोई जवाब नहीं पा नहीं संकल्प सॉरी यार हरीश ठीक है प्रेम डर दस दिन में पॉलिटी कैसे कवर करें सारे लेक्चर देख मारना यार कितने लेक्चर होंगे चालीस से पचास लेक्चर सत्तर लेक्चर होंगे दस दिन में सात लेक्चर पर डे दे देख सात घंटे पर डे कर सात दस दिन में सत्तर दिन में पूरी डिवाइस पूरी पॉलिटी दे रही उसमें क्या है तो मालूम है सत्तर घंटे का पॉलिटी पढ़ा है भगवान सर का वहाँ पर देख मारो आराम से बैठ के उसको पूर्वाक्षी सब फिल्म इक्कीस में रीड न्यूज फोर् टेन मई एज देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिल्म जब भी एग्जाम पढ़ते रहो करंट अफेयर्स तो हमेशा काम आएगा मेंस में काम आएगा नहीं आएगा तो प्री में काम आया तो पढ़ते रहो आराम से एग्जाम के पचास दिन पहले तक पढ़ते रहो करंट अफेयर्स स्वा स्वागत का इकॉनिक मीन्स के लिए प्रिपरेशन बताया दोस्तों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखो और मैंने एक बार पूरा वीडियो बनाया था इकोनॉमिक मेंस के लिए आप टाइप तो करा करो कभी ना यूट्यूब पर टाइप करके देखा करो मैं बनाते रहता हूँ वीडियो सब चीज़ों पर पूरा बताया था मैंने एक बार क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आते हैं स्टडीज बताई थी मैंने आपको इकोनॉमिक मीन्स के बताए दोस्त मैंने आपको सुल्तान कहाँ यहाँ नहीं है दोस्तों इकोनॉमी ऑप्शनल के लिए गाइड कर दें सर ऑप्शनल माफ़ी जाऊँगा प्रीति ऑप्शनल मेरा नहीं था कभी इकनॉमिक का ठीक है ठीक है ठीक है इकोनॉमी ऑप्शनल सोशलॉजी ऑप्शन हिंदी मीडियम के लिए अच्छा है सर बहुत अच्छा ऑप्शन अच्छा है मृत्युंजय अच्छा ऑप्शन है सोशलॉजी का अच्छे नोट्स हैं अच्छी फैकल्टी हैं और अच्छे यूट्यूब पर भी अच्छा गाइडेंस उपलब्ध है दोस्तों देख सकते हैं आराम से आप आ, दस दिनों पॉलिटी हो गया सर बिगिनर के लिए जो भी दोस्त बिगिनर हैं बार बार टाइप ना करें बिगिनर के लिए मैंने एक फाइव स्टेप वीडियो बनाया था उसको जाकर देख लीजिएगा बार परेशान ना हो बार बार बिगिनर्स के लिए ना चलो दोस्तों ठीक है आफ़्टर लॉन्ग टाइम थैंक यू अदिति प्रेमचंद दस दिन हो गया सर जहीर साल दो साल का सब्सक्रिप्शन लेके एक साल वाले जो बैच होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं दोस्त जो आप एक बार प्लस पर आ गए जो पढ़ना है वहाँ पढ़ सकते हो वाकई आप सर क्या रोहित सरदाना के साथ अपना टाइम स्पेंड किया था यार मैं जब ज्वाइन किया था तो इंटर्न था और वो वाफ़ी सीनियर थे तो टाइम स्पेंड करना होता है बराबर वालों के साथ तो मैं उनके संग ये कहूँगा टाइम स्पेंड किया तो गलत बात होगी हाँ हालाँकि वो सब इंडस्ट्री में आए थे लेकिन वो सीनियर थे मेरे उस समय तो मैं कहना गलत होगा कि मैं उनके संग काम किया हूँ जब मैं इंटर्न था वहाँ पर उस समय कुछ समय के लिए इकनॉमी ऑप्शनल के लिए गाइड कर दें सर बताए दो हिंदी मीडियम दस मेंस के लिए क्वेश्चन मेंस के लिए क्वेश्चन कराया करें मैं देखता हूँ मेंस के लिए क्वेश्चन दे रहा था लोगों ने देखना बंद कर दिया आई डब्ल्यू मैंने छोड़ दिया मैंने यार एस से राइटिंग वर्ड्स कम पड़ जाते हैं वेरी वीक इन एस तो उस मैंने कैसे पर वीडियो बनाया था हाउ टू राइट एन एस प्लीज़ देख लीजिएगा बड़ा मज़ेदार वीडियो है हाउ टू राइट एन एस में टाइप करिएगा आशीर्वाद सा टाइप कीजिएगा एक अच्छा वीडियो बनाया था निबंध कैसे लिखें ठीक है सर सर फर्स्ट अटैम्प्ट मेंस में, में, में प्रॉब्लम ना हो बाकी अपेयर कर लिया हूँ अस्सी परसेंट बहुत बढ़िया दोस्त इकोनॉमी ऑप्शन मना कर दिया दोस्त मैंने हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है सर जागरण पढ़ ले भाई जागरण पढ़ ले और बिजनेस पेपर पढ़ लेगा साथ में जागरण के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी का पढ़ ले आराम से मजा आ जाएगा स्वागत होगा सर हर्ष राय सर हिंदी मीडियम वालों की स्ट्रेटजी बताएं कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं है दोस्त एक ही कॉमन स्ट्रेटजी है ज़्यादा पढ़ो पढ़ते रहो रिवाइज़ करते रहो ज़्यादा पढ़ना तो रिवाइज़ करते रहो चीज़ों को यहाँ पर और फाइव पॉइंट स्ट्रेटी देख लो एक बार यार बहुत जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी तुम लोगों की जॉब के साथ प्रिपरेशन करना मुझे लगता है कि थोड़ा कमी हो जा रहा है सर जॉब के साथ प्रिपरेशन करता हूँ मुझे लगता है कुछ थोड़ी कमी टाइम देना पड़ेगा छः घंटे दोस्त दस दिन में पॉलिटी बता दिया दोस्त बाईस तेईस ठीक है ऑप्शनल हो गया दस दिन रिवीजन रिवीजन बहुत सारा पढ़ने के बाद रिकॉल मुश्किल हो जाता है सब चीज़ कुछ बताएँ बहुत सारा का रिकॉल अगर उतना ही पढ़े उतना रिवीजन कर सकता है भाई दस घंटे आठ घंटे छः घंटे पढ़ो दो घंटे रिवीजन के लिए रख रिवीज़न साथ साथ करेगा चीज़ें आसान रहेंगी हर तीन चार दिन बाद रिवीज़न कर लिया पढ़ा तीन दिन बाद रिवाइज कर लिया नहीं भूलेगा कभी नहीं भूलेगा गांडी से बोल रहा हूँ तो इंपॉर्न बात है कि बहुत सारा पढ़ते रहोगे पढ़ते रहो रिविज़न के बिना कोई मतलब नहीं आज पढ़ा तीन चार दिन में रिविज़न करो सातवें टेस्ट दे दो उसका अच्छा रहेगा ठीक है सत्ताईस को पहले मुझे कब तक करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए पचास दिन पहले तक दोस्तों ठीक है टेस्ट जितने टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है कोई आप सरिता के लिए नहीं है दुनिया में सबके साथ होता है ऐसा लेकिन ध्यान रखें प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस अगर करते रहोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी आपसे ठीक है आशुतोष थैंक यू आई डूस का बैच कब आएगा इस बार आ, कोई भी प्लेटफॉर्म पर यार देखो जब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा मैं कोई नया बैच किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर लॉन्च नहीं करूँगा मेरा मानना है कि अभी हार्ट कंडीशन से गुजर रहे हैं बच्चे मैं कहूँ कि यार मैं पेमेंट लेके पढ़ाऊँगा मुझे भी अच्छा नहीं लगता बातें मैं एक बेबिक ह्यूमन बेसिक हूँ यार मैं हमेशा मानता हूँ जब तक हार्ट कंडीशन है जब तक लॉकडाउन टाइप की चीज़ें हैं कोरोना है तब तक मैंने संकल्प अपने से लिया है कि यार जितना हो सकता है यूट्यूब पर रहूँ मैं जितना हो सकता है फ्री प्लेटफॉर्म पर रहूँ कम से कम मैं जाऊँ पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इसलिए मैंने आइड्रोलोज को मैंने बंद कर दिया वहाँ पर जो करना है हम लोग यहीं पर करेंगे यार प्रयास करते हैं यहीं पर हो जाए एक बार ठीक है यार कोरोना से कवरी कर लो आप लोग यार ठीक है पैसा आ जाएगा मेरे बहुत कमाने का बहुत मौके है लाइफ में अभी लेकिन गलत होगा अपने आप में मैं तो मैं इसी का कोशिश करता हूँ यूट्यूब पढ़ाया जाए आप लोगों को मैक्सिमम तो अभी मैं आई डब्ल्यू एस हिट वाला बैच अभी नहीं ला रहा हूँ उसको लेकिन हाँ पी टी के बाद उम्मीद करूँगा मैं लेकर आऊँगा उसको पी टी के बाद लेकर आऊँगा मैं तब तक तो शायद स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी मैं मानता हूँ तो पी टी के बाद आपका बैच हो आ सकता है दोस्त तो ठीक है मतलब आइडियल उसका उस पर एक बैच होता है मेरे पास जो उसमें हम लोग सत्तर अस्सी स्टूडेंट मान लीजिए जो बैठते थे, थे उसके अंदर और मैं देखता हूँ मतलब बच्चे सेलेक्ट जब होते हैं तो पेस्ट करते हैं सर कि हमने आंसर उसको उस बैच में किया था उस बैच में किया तो एक बहुत सुपरहिट बैच टाइप का है वो आज मैंने एक फोटो शेयर किया फेसबुक पर आप लोगों ने देखा हो बहुत पुराना फोटो है दो हज़ार पंद्रह का फोटो है वो एक मैंने आज फेसबुक पर शेयर किया है बड़ा सा आज सोचा नॉस्टैल्जिक टाइप का हो रहा था पुरानी चीज़ याद आ रही थी तो उसमें फ़ोटो में मिल गया आज देखा मैं उसको तो पंद्रह का फोटो है सोच सकते हैं वो उसमें दो आई एस खड़े हैं डेस्क पर और सामने बच्चे बैठे हुए हैं और उन बच्चों में से अधिकतर बच्चे सिलेक्ट हो गए बाद में कोई आई बना कोई आई बना अक्षत बैठा था उसके अंदर बहुत तो बैठे थे उसके अंदर तो मतलब ये बड़ा अच्छा लगता है कई बार ये चीज़ें ने देखा वो फ़ोटो फ़ेसबुक पर आज लगा हुआ था मेरे ठीक है सर ऑलवेज यूज़ जील तो कैसे पढ़ें जितना लास्ट डे पढ़ना है सर आंसर यार पढ़ते रहो टारगेट रख रह के सामने पढ़ोगे ना तो झील बनी रहती है मुझे पढ़ाना है तो झील रहती है सुबह शाम तक पढ़ाता हूँ मज़ा रहे बारह बजे रहें तो कोई चिंता की बात नहीं है पढ़ना है पढ़ाना है बात करनी है स्टूडेंट से ठीक है ठीक है सर सर आपकी शादी हो गई पर्सनल क्वेश्चन भैया सॉरी कह रहे हो फिर पर्सनल क्वेश्चन पूछो अच्छा नहीं रहेगा ना फिर तो आंसर भी सॉरी यार आंसर नहीं बताऊंगा मैं इसका बेवकूफ भाई मैं मतलब मैं कहता हूँ संसदीय भाषा का प्रयोग करो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी ऑप्शनल के लिए गाइड कर दें बताया दोस्त मैंने आपको यहाँ पर इकोनॉमी ऑप्शनल वाजीरा विवन किसके नोट्स सही हैं ज़्यादा कोई भी नोट्स लेकर रिवीजन कर लो यार कोई भी नोट्स लेके पढ़ लो दोनों ही एक दूसरे कॉपी हैं कोई अंतर ज़्यादा लगता नहीं है मुझे तो आप देख सकते हो दोनों के नोट्स अच्छे हैं विजन के थोड़ा देख सकते हो नए नोट्स हैं काफ़ी हद तक दोनों में वैसे नोट्स अच्छे मेरे ख्याल से तो सर इंग्लिश का लेवल क्या होना चाहिए हिंदी वालों के लिए कोई इंग्लिश नहीं चाहिए आपको बेसिक क्वालीफाई करना है वो इंग्लिश के पेपर उतनी नॉलेज होनी चाहिए दोस्त आप टेंथ बेसिक इंग्लिश क्वालिफाई किया टेंथ बेसिक आप लिख पाते हो टेंथ तक क्या तो आराम से हो जाएगा दोस्तों यू पी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद नहीं ही दे, नहीं दे सकते हैं जी हाँ ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के बाद प्रीति कह रही है इकनॉमी ऑप्शन के लिए गाइड कर दें बताया दोस्तों प्रीति नवेदय सर आपकी हेल्थ अच्छी है बिल्कुल अच्छी रहे थैंक यू दोस्त थैंक यू शुक्रिया विकास हाउ टू क्रिएट करंट अफेयर नोट्स पढ़ते रहो रनिंग नोट्स बनाते रहा करो दोस्तों पी इंग्लिश में नहीं आती पी इंग्लिश में आती तो है दोस्त स्क्रीन ले लिया करो और सुबह का अखबार तो अखबार ही होता है तो उसमें तो कुछ है नहीं अपने आप में नहीं इस बार ईयरबुक नहीं लूँगा दोस्तों ईयरबुक नहीं लूँगा इस बार ठीक है हाँ गए क्वेश्चन सारे कहाँ था मैं ईयर अपलोड बुक अपलोड करा दिया नहीं करा सकता दोस्त में टाइम मैनेजमेंट ठीक है अभिलाष थैंक यू वो यू सिलेबस और पैटर्न का वीडियो बना रखा है दोस्त मैंने टाइप करो यू पी एस आशीर्वाद सर एक वीडियो है यू पी कट ऑफ यू पी एस यू पी कट ऑफ कितना जाता है सब का एक वीडियो बना हुआ है दोस्त टाइप तो करा करो वहाँ पर एक बार जाके यूट्यूब पर सब मिल जाएगा आपको डी मोटिवेट यार मोटिवेट रहो यार यही तो मज़ा आएगा ना दूसरों को देखो बढ़िया पढ़ाई करो यार पढ़ने का तो काम बचा है हमारे लाइफ में और करना क्या है ठीक है सर चलो दी जॉब के साथ बिल्कुल हो सकता है दोस्त जॉब के साथ बिल्कुल निकलता है सर मैं डीमोटिवेट हूँ जब के साथ बिल्कुल जॉब के साथ इंक्रीज स्पीड वाइज रीडिंग हिंदू पेपर आ, दोस्त इंक्रीज स्पीड एक दिन में नहीं होगी मेरे कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास पढ़ते रहो पढ़ते रहो फटाफट फटाफट डेली पढ़ते रहो स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी समय लगेगा यार समय लगेगा घिसना पड़ेगा थोड़ा अपने आप को समय लगेगा लेकिन हो जाएगा ठीक है आ, कितने दिन तक पढ़ता है मैंने पचास दिन पहले तक का पढ़ना पड़ेगा दोस्तों जॉब के साथ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जॉब के साथ दोस्त श्रेयाश फिर वही सवाल जॉब के साथ ठीक है जॉब के साथ रश्यप मैंने बता दिया आपको यार एक बार सवाल कितनी बार लिखोगे ना आप एन सी आर टी इन पॉइंट फॉर यू पी एस सी एन सी आर टी इन पॉइंट है दोस्त यू पी एस सी के लिए एन सी आर टी बिल्कुल इन पॉइंट है यू पी एस सी के लिए एक मैंने बताया है वीडियो मैं आपको देखिए फ्रेश फ्रेशअप आप लोग देखते नहीं है मैं वही बात बात कहता हूँ वो एक बार वीडियो देख तो लो सारा मेरा फाइव स्टेप बिगिनर्स उसमें बताया मैंने एन सी आर टी का रोल क्या है आपके लिए आपके सारे सवालों के हल नाइनटी परसेंट सालों के इसमें छुपे हुए हैं तो वहाँ जाके उस वीडियो को देखो यार आप लोग वो देखते नहीं हो फिर ठीक है इंग्लिश का लेवल हिंदी मीडियम हो गया सर आपकी तरह आई कोई नहीं बताता है सर प्लीज़ वीकेंड में एक क्लास करवा दीजिए आई का यार ऐसा मतलब होता क्या साइंस टेक का क्लास आई कितना क्लास में लूंगा कहीं ना रोकना पड़ेगा अपने आपको बी टैक सिविल इंजीनियरिंग से ऑप्शनल में क्या फ्लूड मैकेनिक्स के लिए कुछ बताएं सर कैसे तैयारी करें बी टेक सिविल इंजीनियरिंग से ऑप्शनल में क्या करें फ्लूड मैकेनिक्स के लिए कुछ बताएं सर यार ऑलराउंडर चैनल आ, दोस्त आ, गलत जगह पूछ रहे हो सवाल ये मैं वैसे भी आज आई टी इंजीनियर हूँ मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है सिविल इंजीनियर के बारे में ऑप्शन में क्या करें मुझे बहुत आइडिया नहीं दोस्त इसके इसके लिए आप हमारे वो गेट वेट के चैनल है वहाँ जा एक बार चेकआउट करो वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो ग्रेजुएशन गेट एग्जाम का तैयारी कराते हैं तो वो बता देंगे आपको क्या क्या होना चाहिए चीज़ों को ठीक है चलो दोस्तों फ्रंटी टेक्नोलॉजीज़ या टेक्नोलॉजी कैसे करें रिच पुअर गैप क्यों बढ़ रहा है अडानी अंबानी पनपेंगे तो कोई तो गरीब होगा ना यार किसी का पैसा किसी को तो गरीब कोई ना गरीब तो हो ही पड़ेगा किसी ना किसी को तो आई डब्ल्यू शो स्टार्ट कर दीजिए सर वूल गैस जी एसलेबस लेफ्ट विथ माई ऑप्शनल ठीक है सेकंडफेस का वन स्टेप सोल्यूशन बताइए दो हज़ार इक्कीस वालों के लिए वाह यार मतलब मुझसे ही पूछ रहे हो या तो इक्कीस का सोल्यूशन बताइए क्या करते हो बाबा लोग लो तुम लोग ठीक है चलो यहाँ पर क्या है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर मेंस को कम लोग देखेंगे सर आप कराई इट विल हेल्प अ लॉट सर मेंस तो कम ही लोग देखेंगे सर अच्छा आईडब्ल्यूज़ के लिए कह रहे हो दोस्त यार नहीं वो रिस्पॉन्स वाली बात नहीं होती वो मन नहीं कर रहा हूँ मैं यार लेकिन लोग देखते ही नहीं बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर तो कम वाली बात नहीं है मतलब लोग देखें तो कुछ तो देखें यार हम लोग टीम मेहनत कर रही थी मेरे पीछे से लेकिन सपोर्ट नहीं आएगा तो मज़ा मुझे भी नहीं आता पढ़ाने में चीज़ों को साठ सौ नंटे पढ़ता हूँ सेटिसफेक्शन नहीं मिलता सर क्या करूँ प्रीवियस क्वेश्चन देखो पता करो कि जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो लगेगा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत मोटिवेशन आएगा दोस्त सी सी क्लास जल्दी स्टार्ट होगी सर एव क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो दोस्त यहाँ पर करंट अफेयर्स किस मंथ से पढ़ूँ किस मंथ से एग्ज़ाम से, से अठारह महीने पहले से लेकर एग्जाम के पचास दिन पहले तक आपके क्लास के बाद इंडिया इकोनॉमी रमेश सिंह पढ़ रहा हूँ ठीक है सर आप स्टूल के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें थैंक यू दोस्त क्या ए अभी मेंस के लिए प्रैक्टिस करना सही रहेगा करते रहो प्रैक्टिस करते रहो मेंस के लिए मज़ा आता है इकोनॉमिक क्लास में सत्य सत्यकथा सर 360 कब स्टार्ट होगा 360 चलता रहता है दोस्त आज तीन तीन सेशन लिए 360 के मैंने आपके साथ ए कराया आप कहानी सुनाता हूँ कहानी अपने में क्या है 360 सिक्सटी है दोस्त और कुछ नहीं है सर कोविड हो गया है दो वीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ वीकेंड हो गया पी सत्ताईस जून को है आशीष चिंता मत को सब ठीक हो जाएगा अपने समय संभाल के रखो यार सर कैन आई बिकम जेठा वेयर आई ग्रो अप कौन है भाई जेठालाल कौन है ये कोई टीचर का नाम है या कोई आई का को नाम है नहीं सुना मैंने इसका नाम यार माफ़ी ना चाहूँगा सदाशिव चलो कोई बात नहीं आ, आंसर राइटिंग कहाँ पर चेक करवा सकता हूँ सर कितने राइट डायरेक्शन में आंसर लिख कर यार एक बड़ी समस्या के साथ है आंसर राइटिंग का कोई विकल्प मेरे पास अभी नहीं है अगर मेरा बैच चल रहा हो तो मैं तो बोल देता आपका आंसर राइटिंग वहाँ चेक हो जाएगी लेकिन अभी मैं नहीं चला रहा हूँ बैच को सेल्फ स्टडी ठीक है सर आप एटलो करंट अफेयर्स करवाते हो बहुत अच्छे से समझ में आता है सफिशियंट है या कुछ और ही पढ़ना है इतना पढ़ ले दोस्त इतना पढ़ ले लगातार पढ़ ले बहुत रहेगा कितने साल करंट अफेयर्स बताया दोस्त यू आर ग्रेट लाइक गॉड नहीं दोस्त इंसान आराम से रन दो सी सेट इस बार प्लेम्स के लिए कब कब स्टार्ट होगा एक बार प्लेम्स थोड़ा फिक्स हो दोस्त मुझे लगता है प्लेम्स कभी नहीं होने वाला है समझ मानना है इसलिए मैं कैप टाल रहा हूँ थोड़ा सा जो जो भी डेट आएगी एग्जाम से मालूम पड़ जाएगा सर लास्ट टाइम भी चार अक्टूबर को पुलेंस था तो मालूम पड़ गया था अब दो महीने पहले हमको भी चार अक्टूबर को है ऐसे इस बार होने वाला है सत्ताईस जून को तो नहीं होगा नई डेट जब भी आएगी हम बता देंगे आपको मुझे लगता है तभी मैं कैब चालू करूँगा तभी फ़ायदा भी है करंट पूरा करना पड़ता है क्योंकि इसमें यहाँ पर ठीक है सर यस सर ओल्ड पिक्सर देख लिया आपने सदाशिव में जेठालाल बंद बन... अभी कौन है जेठालाल यार क्या टाइम ख़राब कर रहा है भाई मेरा कोई आई एस अधिकारी है क्या है जेठालाल ये नहीं देखे आचार्य जी हम भी एब भी नहीं चलाते ठीक है प्रीवियस क्वेश्चन यू पी में रिपीट होता है क्या सर प्रीवियस क्वेश्चन यू में रिपीट होता है शॉर्ट ऑफ उससे ट्रेंड मिल जाएगा आपको मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए क्योंकि आपको आइडिया पड़ता है क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं दोस्त ठीक है ना सर जब मेंस का फॉर्म फिल करते हैं उसमें जीएस के लिए अलग लैंग्वेज बिल्कुल हो सकती है दोस्त सौम्या बिल्कुल हो सकती है अलग जी अलग भाषा में ऑप्शनल दे सकते हैं बिल्कुल हो सकता है श्रेसी शाह एन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक पढ़ा दीजिए यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैं यूट्यूब पर तो बहुत टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आप देखेंगे प्रीवियस टॉपिक मैंने बहुत सारे कराए हैं नेशनल पार्क पूरा कराया है एस रिकवरी प्रोग्राम मैंने कराया है क्लाइमेट चेंज पूरा एक मैराथन क्लास मैंने लिया है आपका तो आप ऐसे बिखरे हुए बहुत सारी चीज़ें हैं मिल जाएंगी समेट के रखो एक जगह पर उनको पढ़ लो आराम से बहुत मुश्किल नहीं है मतलब एक बार आप समटने बैठो तो मिल भी जाएंगी चीज़ें बहुत सारी ठीक है आप यूट्यूब पर ठीक है साइंस टेक हाँ जी सर सर जे ई के लिए कुछ टिप्स तो गलत आदमी से पूछ रहे हो यार अब जे ई e. कैसे बताऊँगा तो उस आपको यार मतलब ये तो गलत कर रहे हो आप अभी मैंने भी क्वालिफाई बहुत साल हो गए अब तो यार मैं भूल गया मतलब ऑलमोस्ट कितने साल हो गए यार पंद्रह और लबा हो गए मुझे भी ठीक है ना सर हम भी लेंगे आई एस वन का साथ में फ़ोटो ठीक है, है भैया यार, यार जेठालाल पीछे पड़ा भाई कौन है यार ये जेठालाल पता मुझे बाद में मज़दूर दिवस आपको भी शुकामना मज़दूर दिवस की सर मज़दूर दिवस से निकल गया देख कहाँ हाथ से रहा ठीक है कुछ ट्रिप्स सर जी ठीक है जी एन सी आर टी बहुत है क्या सर हाँ जोग्राफिकली एन सी आर टी बहुत रहेगी अभिन बहुत रहेगी जोग्राफिकली एन सी आर टी सर यू पी जोग्राफी ऑप्शनल पेपर कोई आइडिया नहीं दोस्त यू पी एस सी प्री आपके कोर्स के साथ सेल्फ स्टडी कैसे करें मैं तो कहेंट पढ़ा रहा हूँ दोस्त केवल बाकी पढ़ते रहो बुक्स पढ़ते रहो अपने स्तर पर वो काम करते रहो दोस्त ठीक है सर बेसिक इंग्लिश में काम चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा दोस्त सी सेट दो के लिए स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए सर आ, सी सेट लिए दोस्त मैं आपको मैं बता दूँ फैकल्टी आने वाले हैं बहुत जल्दी तो उनको सब पढ़ लीजिएगा पॉलिटिकली क्या पढ़ें सर पवन सर से पूछो है पॉलिटिकली बताएंगे पवन पॉलिटिक रू है हमारे वो सर खुद को मोटिवेट कैसे रखें आशीर्वाद सर को देखते रह करो यार मतलब कोई टेंशन लाइफ में है ही नहीं पी का एग्जाम आने वाला है क्या करें पी का एग्जाम आने वाला है तो पढ़ो पीटी के एग्ज़ाम के लिए नहीं क्या करना है पी के एग्जाम आने वाला है पढ़ो बैठ के दोस्त सर पी सी एस यू पी एस से मत कन्फ्यूज हूँ यार वो देख लिया करो आजकल सीरीज़ चल रही है वेब सीरीज चल रही है बढ़िया सी हमारी ना अन अकेडमी स्पॉन्सर भी कर रहा है इस वेब सीरीज को क्या नाम है उसका एस्पायरेंट्स क्या नाम है नो, कुछ नाम उसका है और बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ दोस्तों सुना मैंने उसका अच्छा फीडबैक है उसमें भी सवाल हैं कि ऑप्शनल क्या चुनूँ दो कैरियर हो क्या ना हो तो आधी सवाल ऐसे खत्म हो जाएंगे आपके ठीक है चलो थैंक यू पी सी एस पी सी एस ठीक है सर कोई डाउट नहीं है आप पहले ही क्लियर कर देते हो थैंक यू आप मेरे फेवरेट हो दैस थैंक यू राहुल वी वीस्टा पेपिंग गिव मोर एफिशिएंसी बट हाउ वी कोड मेटेन एवोट द फुल ईयर दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस मोमेंटम से स्टार्ट करो लास्ट तक मोमेंटम बचाओ मैं सुबह नौ बजे आता हूँ जिस मोमेंटम एनर्जी साथ होता हूँ रात को बारह बजे उसी एनर्जी से बैठा हूँ आपके साथ ये मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास कि आपको उसी मोमेंटम से साल भर पढ़ना है थकना नहीं है रुकना नहीं है मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपको करना है कैसे करो ये आपको डिसाइड करना है हर किसी अलग तरीके होते हैं कोई अपने आप को एंटरटेन करता है बीच बीच में कोई अपने आप को थोड़ा सात दिन पढ़ लिया दो दिन का ब्रेक लेके फिर सात दिन पढ़ रहे हैं संघर्ष विराम संघर्ष करता है कोई कोई संघर्ष सतत संघर्ष करता है कि बस पढ़ते रहो कुछ सोचना ही नहीं है बस सीधा देखना है वो पढ़ना है तो हर किसी का अलग तरीका होता है कोई गांधी होता है कोई नेहरू होता है कोई आशीर्वाद होता है हर किसी का अपना तरीका होता है तो उसको एक सिंगल फॉर्मूला इसके लिए नहीं है कम से कम बड़े होकर जेठा भैया बन जाए यार किसने मना किया यार बड़ा तो हो जा पहले बाल गोपाल मेरे हाउ कैन आई प्रिपेयर बेस्ट फॉर जी एस सर आपको क्या लगता है बंगाल में कौन जीतेगा बंगाल में कौन जीतेगा बंगाल में कोरोना जीतेगा जीत गया कोरोना ठीक है अब मत पूछना दोबारा ठीक है बुक एडवाइस सर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बंगाल में लोकतंत्र हार गया बंगाल में जीवन हार गया बंगाल में गरीब हार गया बंगाल में नेता तो हार ही गए जीता है केवल कोरोना और उसकी वजह से पूरा देश कोरोना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सर प्लान फॉर 2020 सर कोरोना मुझे ऑफलाइन पढ़ने नहीं दिया आई एस मंत्रा कैब टूजेंड ज्वाइन किया था सोचा इस बार ऑफलाइन पढ़ लूँगा आशीष में कुछ नहीं कर सकता यार ऑफलाइन बंद हो गया तो मैं आप समझ सकते हैं आप मुझे जानते हैं कि कमिटमेंट हम लोग करते हैं और पूरा करते हैं लेकिन अब ऑफ़लाइन ही बंद ही हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाया उसके बाद ठीक है ठीक है।, है सर थैंक यू अंकित आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें सर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमी बुक बताइए दोस्तों में एक बुक का बुक का लेक्चर देखो देखो क्या करा करो ना बुक्स बाय आशीर्वाद सर टाइप करा करो बुक का लेक्चर है यू पी एस सिलेबस बाय आशीर्वाद सर वो देखो यू पी एस सी कट ऑफ बाय आशीर्वाद सर वो देखो स्ट्रेटजी बाय आशीर्वाद सर वो देखो सारे वीडियो बने हुए हैं दोस्तों सारे वीडियो मैं काम करूँगा बोल दूंगा टीम को वो तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट के डटका देगी आपको फ्रंट पर यहाँ पर इस चैनल के फ्रंट पर इससे आपको सब एक साथ दिख जाए करे ठीक है ना बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्त ठीक है चलो बहुत सारे सवाल दोस्तों हैं और अब समय ज़्यादा नहीं दे रहा मुझे आ, मुझे लगता है कि मुझे ऑफ करना चाहिए इस क्लास को तो जितने मैं दवाब पाया दोस्त तो कोशिश कर रहा था जवाब देने की मैं जिसका नहीं दे पाया आ, अब ये जेठालाल ढूंढना पड़ेगा मुझे कौन है जेठालाल तो बियॉन्ड द मजाक ठीक है आप लोग करते रहिए अपने स्तर पे बात मैं कोशिश करूँगा दोस्तों क्षमा चाहता हूँ उनके जवाब मैं नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारे सवाल और भी हैं दिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे सवाल हैं इसमें नीचे तक और फिर मैं वहाँ पर आऊँगा जो बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर अभी दोस्तों ठीक है ठीक है दोस्तों तो अभी क्लास को रोकते हैं हम लोग अपनी ठीक है मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह नौ बजे पीआईबी सेशन में आ, सुपर सैटरडे है कल टेस्ट डे है दोस्तों अपनी क्लास होंगी चार पांच क्लास होंगी टेस्ट की अपनी ठीक है और क्षमा चाहूँगा इनके सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूँ प्रयास करूँगा मैं एक दिन और ले पाऊँगा एम सेशन तब बात कर पाऊँ मैं आपसे यहाँ पर आप लोग भी ई सेशन के प्रारंभ में आ जाएगा सवाल ऊपर आ जाएगा आपको तो मैं आपके सवाल को देख पाऊँगा बाकी अपना चैट ग्रुप खुला रहता है कभी व्हाट्सएप ग्रुप अपना अपना टेलीग्राम ग्रुप खुला रहता है वहाँ आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन रख सकते हैं कभी कभी चाहें तो ठीक है चलो चलो मिलते हैं दोस्तों फिर आपके साथ सुबह अभी तो सौ बारह हो गए हैं लगभग तो आज का दिन आज की क्लासेस आज का टॉपिक खत्म होते हैं हमारे पास हमारी टॉपिक पूरा आज दस क्लास मैंने आपके साथ की दोस्तों आज टोटल टेन क्लासेस इंक्लूडिंग ऐप पर तो बहुत मज़ा आया दोस्तों फ्राइडे फेस्ट के साथ उम्मीद करेंगे अगले फेस्टफ्रेम लेंगे फ्राइडे फेस्ट में आपके साथ आ, तो प्लीज़ सारे वीडियो देख लेना लाइक कर देना सारे वीडियोज़ को और फिर मिलते हैं आपके साथ सुबह दस बजे काजल नाराज़ हो गई हैं किस बात पर नाराज़ हो गई हैं आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ माफ़ी मांग रहा हूँ दोस्तों उनसे भी सबके सवाल देना संभव नहीं हो पाएगा समय ठीक है तो मिलते हैं फिर सुबह आपसे दोस्तों और चर्चा करेंगे आपसे सुबह हम लोग नौ बजे पी पर मिलते हैं ऐप पर होगा पी सेशन अपना पी आई अपना दोस्तों मिलते हैं वहां पर तब तो तक तो ले तेज्ञा